सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्लोपिंग रूफ के बारे में कि किस तरीके से आप स्लोपिंग रूफ बना सकते हैं और उसके ऊपर कर्टेन रूफ आपको रखना है या फिर स्लोप पफ पैनल रूफ रखना है आपको या फिर स्टील रूफ रखना है। किस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हैं इस तरीके की, अगर आपको रूफ बनाना है यहाँ पे इस तरीके के जॉइंट्स दिखाने हैं, गटर दिखाना है आपको, कर्टेन ग्लास रूफ दिखाना है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि जो टाइल्स लगी हुई है उस तरह की रूफ दिखाना है, प्रोजेक्शन के साथ शो करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके की, आपको शीटिंग रूफ दिखाना है, आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी रेविट हमारा ओपन है, यहाँ से हम नॉर्मली एक प्लान बनाते हैं जो हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा। सिंपली हम प्लान बना लेते हैं, यहाँ से हमने ये बनाया। ये हमारा कोई भी एक हाउस प्लान है। अब इसके ऊपर हम वर्क किस तरीके से करेंगे, यहाँ से भी मैं इसको कटिंग में शो कर देता हूँ। और हमें यहाँ पर बनाना है प्रोजेक्शन के साथ रूफ विद टीन शेड और कर्टेन पैनल, दोनों को समझेंगे किस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं। मॉडिफाई टूल पे गए, स्प्लिट किया, यहाँ से हमने इसको ट्रिम किया एंड देन ओके, जिसे हम कोरोगेटेड शीट की भी फैमिली बोल सकते हैं। ये हमने पोर्शन बनाया कोई भी एक हाउस के लिए। टिपिकल शेप मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिलीवर हो उसके इन्फॉर्मेशन। तो हमने इस तरीके के कुछ शेड बनाया। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन, मुझे 4 फिट का प्रोजेक्शन चाहिए जहाँ पर हम स्लोपिंग रूफ बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन निकालते हैं। यहाँ से आपको सिंपली रूफ बनाना है, रूफ बाय 100 फिट सेकेंड लेवल पे बनाना है। और कितनी दूरी के गैप के बाद बनाना है, मुझे यहाँ से 3 फिट के ऑफसेट के बाद बनाना है। 1, 2, 3 इस तरीके से हम यहाँ से रूफ बनाएंगे। जो रूफ हमारी है वो सिर्फ इसी फेस पर रहेगी, अंदर की तरफ हमें पूरा स्लोप रूफ चाहिए। ओके, इतना पोर्शन कनेक्ट हो गया, यहाँ से हमने लिया और पिक पॉइंट को 0 किया। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा जो हमारी स्लैब रहेगी वो सिर्फ यहाँ तक रहेगी, ठीक है एंड देन ओके। अब आप देखेंगे 3D में तो कुछ इस तरीके का स्लैब बन गया जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन। अब इसके ऊपर हमें रूफ बनाना है, तो आप रूफ कैसे बनाएंगे, अब स्लोप रूफ आपको बनाना है। तो हम यहाँ से चलते हैं रूफ फुटप्रिंट पे, फुटप्रिंट पे आपको जाना है और जहाँ पे स्लोप ऑन रखना है स्लोप ऑन रखेंगे और यहाँ से सेम पिक पॉइंट लेते हैं 1, 2, 3, 4 ओके एंड देन ओके। आप 3D में देखिए तो कुछ इस तरीके की आपकी रूफ बन चुकी है जहाँ पर आप विंडोज़ भी लगा सकते हैं, अलग अलग पार्टीशन भी कर सकते हैं। मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे डोर विंडोज़ प्लेस कर देता हूँ। एक हमें डोर इधर चाहिए यहाँ पे, एक हमें यहाँ चाहिए। इंटरनल पार्टीशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस कंडीशन में इंटरनल पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम विंडोज़ लगा देते हैं। जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ विंडो लगाइए, अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो आप ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंटरनल पार्टीशन अगर कुछ भी शो करना चाहते हैं आप वो इजीली कर सकते हैं। आप 3D में जाके देखिए तो आपका हाउस कुछ इस तरीके का बन गया। विंडो हमने ये लगाए हैं और इस तरीके का हमारा पार्टीशन बन गया। विंडो का साइज चेंज करना है, 3D में आपको शो करता हूँ मैं, रियलिस्टिक में ऐसा कुछ हाउस है हमारा। यहाँ से हमने क्या किया, विंडो सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया और यहाँ से हमने इसकी हाइट को चेंज कर दिया। हाइट मैंने रखा 1500 ओके, और सभी विंडो का सिल मैंने यहाँ से रखा 900 ओके। अब डोर का जो साइज़ है वो भी हमें चेंज करना है, तो एडिट टाइप, यहाँ से हम डोर का साइज़ रखते हैं 2400 एंड देन ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिल हमारा सेम आ जाएगा, इस तरीके का हमारा हाउस बन गया। अब ये तो था पोर्शन सिर्फ हमारे हाउस बनाने के लिए जहाँ पे आपको क्या करना है, रूफिंग शीट यूज़ करना है। अगर आप यहां से इसका कैटेगरी चेंज करते हैं और मटेरियल चेंज करते हैं तो इजीली कर सकते हैं, बट मुझे ये जो स्लैब है 150 का चाहिए ओके। और ये जो स्लैब है मुझे चाहिए ग्लास में, तो आप सेलेक्ट करें स्लैब को और यहां से स्लोप ग्लेजिंग कर सकते हैं इसको। अब आपने स्लोप ग्लेजिंग तो कर दिया इसको,
बट इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजमेंट हैं जो अभी नहीं हुए हैं, तो उसको मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें ऑफसेट करना है यहाँ से 6 इंच का, तो यहाँ से हम करते हैं 6 इंचेस, ओके, ताकि हमारा जो ग्लास है वो पूरा इस तरीके से बने। अब हमें क्या करना है, इमेज के थ्रू हम देखते हैं, यहाँ पे हमें इस टाइल्स की शेप देनी है और इससे बेहतर शेप हमें इस तरह की शेप देनी है जो कि हमें एक तरह से ग्रिड्स की हेल्प से भी लगे। अगर आप रैंडम ग्रिड लगाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से भी लगा सकते हैं, मॉडिफाई यहाँ से आर्किटेक्चर कर्टेन ग्रिड, आप क्लिक करते जाइए ग्रिड्स आपकी लग जाएगी इस तरीके से, और इसके ऊपर मलियंस भी लगा सकते हैं। बट सिंगल सिंगल हम वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, पूरे रूफ को हम सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट एडिट टाइप में जाते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, लेआउट्स, लेआउट को मैंने किया फिक्स डिस्टेंस और जो टाइल का ग्रिपिंग साइज है इमेज की हेल्प से हम देखते हैं, ये जो साइज हमारा टाइल टू टाइल आ रहा है या फिर अनदर कोई इमेज में देखते हैं जो कि हमारा इस तरीके का आ रहा है, स्ट्रिप आ रहा है प्रॉपर, तो वो स्ट्रिप का डिज़ाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है यहाँ से पार्टीशन दिख रहे हैं, कवरिंग दिख रहा है, लीकेज प्रूफ दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 300 का गैप लिया, ओके, इतना आपको करना है अप्लाई, ओके, तो बहुत सारी आपके हर 300 के गैप पे ग्रिड्स आ जाएंगे, ठीक है। बट ये क्या है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट ग्रिड लगते हमारा ग्लास हवा में इस तरीके से स्टैंड कर सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारे टूल ऐसे हैं जिसकी हेल्प से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर से मैंने ग्लास को सिलेक्ट किया, अभी हमने सिर्फ फिक्स डिस्टेंस किया और 300 इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अगर आप हॉरिजॉन्टली भी चाहते हैं ग्रिड्स आए तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं, 300 अप्लाई, तो आप देखेंगे पीछे आपके पास यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अवेलेबल हो जाएगी आपकी ग्रिड्स, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत हैवी मॉडल हो गया और इस तरीके से आपकी ग्रिड्स भी आ गई, बट हमें क्या चाहिए, ये ग्रिड्स हमें नहीं चाहिए, हम कर देते हैं इसको नन एंड देन अप्लाई। जैसे आप नन करेंगे सिंपल आपकी एक तरफ हॉरिजॉन्टली आपकी वर्टिकली ग्रिड्स आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर मलियंस लगाने हैं जो कि हमारे एक बार की तरह काम करेगा, तो हमने कंप्लीट ग्लास रूफ को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, और यहाँ पर है हमारे पास मलियंस, इंटीरियर मलियंस में मैंने लिया यहाँ से शेप रेक्टेंगुलर मलियन का, जो कि हमें कैसा चाहिए, अप्लाई, ओके। जैसे ही आप अप्लाई ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे मलियंस आ जाएंगे आपकी पूरी शेड के ऊपर, हो गया। बट अभी भी हमारे जो शेप हमें चाहिए वो नहीं डिफाइन हुआ, राउंड मलियन आ रहा है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, सर्कुलर आ रहा है, रेक्टेंगुलर मैंने किया अप्लाई, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेड में हो जाएगा, क्लियर। जो डिफाइन है कलर और जो हमने बनाया उस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे कवरिंग जो है, इमेज में हम चले तो यहाँ पे देखिए कवरिंग आ रहा है इस तरीके से, दूसरा इमेज भी हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी कवरिंग आएगा हमारे कॉर्नर्स पे इस तरीके से। अगर आपको ग्लास ही रखना है तो आप ग्लास रख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसा ही ग्लास आ गया हमारी रूफ के ऊपर ये, ठीक है। बट हमें क्या करना है अभी और इस पर वर्क करना है, तो आप क्या करते हैं यहाँ से कर्टेन में ही जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है बॉर्डर टाइप 1, तो हमने यहाँ से बॉर्डर टाइप 1 पे गए और इमेज को मैं थोड़ा क्लोज रखता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस कि यहाँ पे आपकी लेयर आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे एल कॉर्नर मलियन लेना है अप्लाई, जो कि कॉर्नर्स पे हर पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए उसकी फिनिशिंग करेगा, एंड देन सेकेंड बॉर्डर पॉइंट पर जाना और यहाँ से आपको लेना है मलियन अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मलियन आ जाएगा। जो मलियन कंप्लीट हो चुके हैं वो ठीक है, उसके बाद हम सेकंड ग्रिड मलियन पे जाते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसको रेक्टेंगुलर, यहाँ से मलियन ये हमें नन ही रखना है, एंड देन नीचे वाला बॉर्डर टाइप 1 मलियन 2 ग्रिड 2 एल अप्लाई, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे पूरे बिल्डिंग के ऊपर डिलीट एलिमेंट करना है आपको, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वो कट हो जाएगा और इस तरीके का आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा कनेक्टेड फॉर्म में, जो कि मेन फॉर्म है उसको आप सेलेक्ट किया हमने सभी को, एडिट टाइप में गए और यहाँ पे जो 150 का साइज आ रहा है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 100। एल्यूमिनियम की बजाय इसको किसी और का रखना है आपको तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं, मुझे कोई वुडन में चाहिए, ठीक है, रैंडम बेसिकली MS शीट में या फिर एल्यूमिनियम में ही रहेगा, तो ये आपका कलर भी चेंज हो जाएगा और इस तरीके से कुछ दिखेगा हाउस। मलियंस का साइज कम ज़्यादा करना है आपको तो सभी को सिलेक्ट करें, SA एडिट टाइप, अभी 30 mm का मलियन आ रहा है, लगभग 1 इंच का मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 15 mm का मलियन रहे और यहाँ पे कितना डाउन रहे ऑफसेट -5, जो कि हमारे ग्लास को कनेक्ट करके रखेगा, अप्लाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, अप्लाई, ओके, जो बिल्कुल ग्लास को कनेक्ट करते हुए दिखेगा।
अब अगर आपको ग्लास की फॉर्म रखनी है, क्योंकि ये कनेक्टेड हो गया, ये स्पोर्ट भी हो गया यहाँ पे, अब ये वाटरप्रूफ भी है कंप्लीट, कॉर्नर से पानी नहीं जाएगा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके का शेड देना है। कर्टेन तो हमें रखना था तो ऐसा हो गया, बट पीछे जो वॉल दिख रहा है वैसा भी रूफ चाहिए इस तरीके की। ये जो टाइल्स शेप आ रही है वो हमें चाहिए, इस तरीके की टाइल्स शेप चाहिए हमें। तो आप कैसे बनाएंगे, अब आपको क्या करना है, किसी भी एक ग्लास को टैब के साथ सेलेक्ट करना है, एक पैटर्न को टैब के साथ किसी भी पोर्शन पे जाइए, टैब प्रेस करें, रेक्टेंगुलर पार्ट सेलेक्ट होते ही आप कंप्लीट को सेलेक्ट करें इस तरीके से, टैब, यहाँ पे आएगा सिस्टम पैनल ग्लेज्ड एंड देन गो टू एडिट टाइप। यहाँ पर जो मटेरियल आएगा उसको डुप्लीकेट बनाइए, और मटेरियल में हम क्या करते हैं, न्यू मटेरियल बनाते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, यहाँ से मैंने बोला रूफ, ठीक है, और यहाँ से आप ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में गए, हम यहाँ से हमने रूफिंग मटेरियल ले लिया कि रूफिंग के लिए हमारी जो भी अवेलेबल है वो हमें चाहिए। तो हमारे पास इस तरह का कोई रूफिंग मटेरियल हमें चाहिए, अस्फाल्ट सिंगल, ठीक है, या इनमें से कोई चाहिए आप इनमें से ले सकते हैं, अनदर वन कोई चाहिए, जैसे हमें ये टाइल वाला शेप चाहिए स्पेनिश टाइल, ठीक है, हमने ओके किया, यहाँ पे स्पेनिश टाइल का आ गया। अब टाइल का साइज़ हमें चेंज करना है, तो टाइल का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको किया 1800, यहाँ पे भी 1800, ओके डन, अप्लाई, ओके। तो जैसे ही आपने ये ओके डन किया, आपका जो आप देखेंगे पूरा शेप जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया है, पूरा हाउस आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा। इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर डिज़ाइन चेंज करना है तो आपको मटेरियल चेंज करना है। आप प्रॉपर देखेंगे कि अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो हमने ग्रिड्स लगाई हैं जिनकी सपोर्ट से आपका ग्लास या मटेरियल जो भी शीट है, सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया है, उसका मटेरियल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। किस तरह का कलर चाहिए आपको, मुझे चाहिए यहाँ से एलुमिनियम में ही या कोई अलग, ठीक है, मैं ये डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि डिफरेंस दिखे। तो हमने यहाँ से डिफ़ाइन किया, अब जैसे ही आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो चुका है और आपकी बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखेगी। एंड देन अब हम क्या करते हैं, जो भी रेनी सीजन में वाटर आएगा, रेन वाटर है, स्नो है, वो पूरे एरिया में यहाँ पे पूरा वाटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गटर लगाते हैं। अब गटर किस तरीके से काम करेगा वो भी समझेंगे। रूफ के अंदर ही हमारे पास होता है फेसिया, जो कि आपको कॉर्नर्स को डैमेज होने से बचाएगा, तो हमने सब जगह फेसिया लगाया, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी फेसिया की हेल्प से। तो हर जगह आप ये फेसिया प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरा रूफिंग का कॉन्सेप्ट के अंदर है ये फेसिया। सिर्फ आपको कॉर्नर्स पे फेस पे क्लिक करना है और आपका फेसिया क्रिएट हो जाएगा, एंड देन ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से गटर लेते हैं, उसके थ्रू हम पाइप लगाएंगे और नीचे की तरफ आपका जो वे वाटर होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है गटर, गटर का साइज देख लेते हैं हम, अभी ये साइज अवेलेबल हमारे पास 150x150 भी है। आप सिर्फ क्लिक करें जहां फेसिया लगाया आपने वहां क्लिक करें और आपका गटर भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कनेक्ट करते जाइए और आपका गटर कुछ इस तरीके से लग जाएगा वहां पे कनेक्टेड फॉर्म में। जो भी कलर का मटेरियल या जिस भी टेक्सचर का मटेरियल आपको रखना है गटर के लिए, रूफ के लिए, वो प्रॉपर आप यहां से डिफाइन करके रख सकते हैं। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली प्रोफाइल इस तरीके का है कि ये पूरे हाउस को आपको कवर करेगा, जो भी वाटर होगा पूरा गटर में आएगा, उसके थ्रू पाइप्स के थ्रू डाउन जाएगा। तो आप परफेक्ट इस तरीके से गटर बना सकते हैं और ये आपका हो गया गटर। अगर आप इसको 3D में देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका हाउस का रूफ। प्रॉपर देखेंगे आप, गटर का भी पोर्शन आ गया आपके पास, फेसिया भी अप्लाई हो गया, और जो भी पोर्शन आपका रह गया उसके ऊपर आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमें वाइट ही रखना है या कोई टेक्सचर पेंट अप्लाई करना है, तो ये आपका हाउस रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से आप कॉरुगेटेड शीट, रूफिंग शीट, ग्लेज रूफ, पैनल रूफ, स्लॉप रूफ, हर तरीके से आप बना सकते हैं। उसके ऊपर फेसिया का यूज कर सकते हैं, मलियंस का यूज कर सकते हैं, एल सेक्शन ग्रिड वन का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर इस तरीके का आप हाउस बना सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको टेक्सचर चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप 3D व्यू में भी आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको एक व्यू दिखेगा आपके हाउस का गटर दिख रहा है प्रॉपर,
रेन वाटर पाइप आपको चलाना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका डिज़ाइन बन जाता है जहाँ पे आप कहीं भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन। तो हर एक चीज़ रूफ का कॉन्सेप्ट जो है स्लोपिंग का हमने कवर किया है, स्लोप रूफ आपका रूफ के अंदर ही मिलता है। फिर ग्रिड्स में जाना है आपको और एडिट टाइप के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। आपको अलग से ग्रिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जेनरिक मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ टूल्स से ही यूज कर सकते हैं जो एडिट टाइप के अंदर आते हैं आपके कर्टेंस के। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बनाया जाए जो कि डिटेल वीडियो रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अगर आप इन्हीं चीज़ों को बारीकी से सीखना चाहते हैं तो PTS CAD Expert एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। प्रोफेशनल द्वारा सभी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और आपको वीडियोज़ भी अवेलेबल करवाई जाएगी। जो भी वीडियोज़ आपकी रिकॉर्डिंग लाइव क्लास की होती है वो आपको ऐप पर एज इट इज़ मिल जाएगी, आप बाद में भी हेल्प ले सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।